मैं क्या आप लोग के सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ। मेरी चैनल ब्लॉग गर्ल इज लिखकर आप लोग जरूर ठीक ही होंगे। मैं खुद को ठीक नहीं कह सकती क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ढीला है और हाथ पैर थोड़ा सा सूज गया है, तो इसलिए मैंने आप लोग के सामने आज ज़्यादा बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकती क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लेके नहीं बैठ पा रही हूँ या उठ पा रही हूँ। इसलिए आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है फैट। अभी हम लोग सबका एक ही प्रॉब्लम है फैट, लेकिन बहुत फ्लैटी हो रहा है, बन गया ज्यादा मोटापा आ गया, ऐसा है कुछ चीज लेके एक डाइट चार्ट और छोटा सा टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी। तो एक बार मुझे मैं आप लोगों के सामने जो वास्तव में जो हम फेस करते हैं वही लेके मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। तो मैंने कोई बुक्स पढ़ के आप लोगों के पास नहीं बोल रही हूँ ये जो आज मैं बोलूँगी, तो ये मेरा एकदम खुद के साथ जो चला और मेरे सामने मैंने दूसरे लोगों को भी जो देखा वही लेके आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत बोलूँगी। जैसे समझ लीजिए, एक बार मैं दिल्ली में थी, बहुत पहले की बात है, तो मैं उस टाइम स्ट्रेट कोल्ड ड्रिंक्स और मैगी खाती थी। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीती थी और मैगी खाती थी, पानी तो बिल्कुल नहीं पीती थी और मैं बहुत फ्लैबी हो गया था। तो एक टाइम मैंने डॉक्टर के पास गया चेकअप के लिए कि इतना मोटापा क्यों आ रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे एकदम से कहा कि दोनों जो फैट चीज है यही आप खाते हो, इसीलिए आप लोगों को इसीलिए आपका इतना फैट आ गया है। ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं खाती थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने देखा, हम लोगों को भी ऐसा ही एक चीज मन में होता है कि फैटी हो रही हूँ मतलब खाना छोड़ दूँ, एक टाइम खाना खाऊं, शायद ब्रेकफास्ट नहीं खाने से या ये नहीं खाने से। ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है हम लोगों के अंदर, क्योंकि मोटापा कम करने के लिए इतना चिंता करने की, इतना टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगी सिर्फ एक चीज को याद रखो, हर दिन अपने अंदर एक पॉजिटिव प्लेस रखो कि मैं ये फिगर में नहीं हूँ, मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मैं जो भी हूँ मेरे अंदर मोटापा बिल्कुल नहीं है। और ये अंदर सोचो एकदम थिंक पॉजिटिव, फिर आप लोग जिम जा रहे हो जाओ, बट सुबह का नाश्ता और दिन का लंच और रात का डिनर प्रॉपर वे में करो। जरूरी नहीं है कि जिम करने से और सारे खाना खाना छोड़ बोड़ देने से हम एकदम दुबला पतला हो जाएंगे और बहुत सुंदर दिखने लगेंगे, क्योंकि मैं हम लोग कोई मॉडल वॉडल तो है नहीं, हमारा स्किन भी अच्छा रहे और थोड़ा फैटनेस भी कम हो जाए, हम यही तो चाहते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो ये चाहने के लिए इतना सोचने की, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने रिलेटिव को देखा था, दिन का खाना छोड़ दिया था, रात को एक टाइम खाते थे, उनका इतना ज्यादा वीकनेस बढ़ गया था आप मानोगे नहीं, कि एक टाइम के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो क्या जरूरत है हमें वो मोटापा कम करने के लिए खुद हॉस्पिटलाइज हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को आज एक छोटा सा टिप्स दूंगी जो है आप करके देखिए। एक चीज है सुबह उठ के एकदम खाली पेट गुनगुना पानी में एक चम्मच नींबू का रस डालिए, थोड़ा सा एक दो ड्रॉप शहद डालिए, डाल के पहले उसको पी लीजिए हर सुबह खाली पेट। उसके साथ मेथी पाउडर, मेथी को डस्ट करना है हमें, में ड्राई मेथी डाल लेना और उसको फ्राई कर लेना। जैसे वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, पैन फ्राई, कोई ऑयल वॉयल डाल के नहीं, जैसे वो फ्राई हो जाएगा उसको मिक्सी में पीस कर आप लोग पाउडर का डस्ट बना के रख लीजिए, ठीक है। फिर वो जो गुनगुना पानी में नींबू शहद डाल के आप पी रहे हैं उसके साथ हमें एक चम्मच मेथी पाउडर खाना है विथ वाटर, पानी के साथ, क्योंकि थोड़ा कड़वा भी है। जो खुद ऐसे खा सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खा सकते हैं, बट कड़वा है, मैं तो ऐसे लेके पानी के साथ पी लेती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है शुगर का एक बहुत बड़ा मेडिसिन है और ये मोटापा का भी बहुत बड़ा मेडिसिन है। अब करके
सुबह का जो ब्रेकफास्ट होगा 8-9 बजे या 7-8 बजे जब भी आपको निकलना होगा उसके पहले एक जो आपका डाइट है वो मैं बोल रही हूँ, जैसे दही ले लिया, एक बनाना जरूर रखना, वाटरमेलन जूस ना मिले तो दही रखना, उसके साथ बादाम पाक थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल के उसको घोल के उसको खा के निकल सकते हो सैलड के साथ, ये भी बहुत बढ़िया है, फ्रूट सैलड। ओके, लंच के लिए रोटी 1-2 रोटी, हरी सब्जी, दही या छाछ और छिलके वाले दाल के साथ चावल भी ले सकते हो। पुदीना की चटनी मस्ट रखना, क्योंकि पुदीना की चटनी ऐसा एक चटनी है जो गर्मी के लिए बहुत बढ़िया है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा खाने में और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है और मल्टी विटामिन की कमी भी पूरी करती है पुदीना की चटनी। हमेशा हल्का होना चाहिए, रात को सोने से पहले डिनर 2-2.5 घंटा पहले होना चाहिए। डिनर में रहेगा 1 बाउल सैलड, 1 बाउल सूप, 2 रोटी और 1 कटोरी दही या रायता। आप लोग इसको ट्राई करके देखो, मुझे लगता है अगर ऐसे हम रूटीन में चले तो जरूर मोटापा कम हो जाएगा। हाँ, और एक बात, हम लोगों को स्पाइसी खाना जरूर माना है, जिम कोई कर रहा है या ना भी करे तो कोई बात नहीं है, बट स्पाइसी खाना हम लोगों को खाना माना जरूर है, बट ये नहीं है कि हम कभी नहीं खा सकते। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, अगर एक दिन स्पाइसी खाना खा लिया तो 3-4-5 दिन तक स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना, तो आपको एक लिमिट से खाना चाहिए। खाना ऐसे ना हो कि आप बहुत खा रहे हैं, कोई भी चीज आप करो, जैसे आप कोई रिलेशन भी करते हैं, कोई चीज करते हैं तो एक लिमिट से करते हैं। खाना खाने का भी वही चीज होता है कि हम एक लिमिट से हर एक रूटीन वाइज करें तो हमें मोटापा ज्यादा नहीं आ सकते। हम लोगों को भी, मेरा भी थोड़ा बहुत मोटापा जब भी आ जाते हैं तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, खाने पे ध्यान देती हूँ कि खाना ऐसे नहीं वैसे खाना चाहिए, क्या है कि हमेशा वो ज्यादा ऑयल डाल के ज्यादा स्पाइसी बना के खाने को बहुत टेस्टी बनता है खाना, ये नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कम मसाले में भी, बहुत कम ऑयल में भी बहुत अच्छी तरह सब्जी बन सकता है और बहुत टेस्टी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गर्मी में इतना प्याज लहसुन ज्यादा खाओ, गर्मी में प्याज लहसुन बिना जितना खा सकते हो उसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा शरीर के लिए भी, स्किन के लिए भी, और हमें गर्मी भी कम लगेगी। तो आप लोग भी ट्राई करके देखो, अगर मुझे अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट्स पे लिखना और मुझे बोलना कि कैसा लगा ये टिप्स, और अच्छा रहना और हमेशा अच्छा रखना सीखना। Okay, bye.